केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने आज उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया कि वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। अक्सर राजनीतिक गलियारों में आरती राव को लेकर चर्चा चलती रहती है कि वो कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। आज रेवाड़ी के बीएमजी मॉल में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंची आरती राव ने इशारों इशारों में यह भी साफ कर दिया कि वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। आरती राव ने कहा कि मैं रेवाड़ी की थी, हूँ और रेवाड़ी की रहूंगी। इससे यह तो बिल्कुल साफ हो गया कि आरती राव इस बार रेवाड़ी से ही विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। लोगों को संबोधित करते हुए आरती ने कहा कि हरियाणा में सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा का विशेष योगदान रहा है, लेकिन अगर हम एक नहीं रहे तो हमें जो तवज्जो अब मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें एक होकर रहना होगा कि सरकार में दक्षिण हरियाणा तवज्जो मिलती रहे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इलाके के लिए बहुत काम किया है, और जहां तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है तो मैं चुनाव चाहे कहीं से भी लड़ूं, लेकिन रेवाड़ी के लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष हुकुमचंद यादव, भाजपा नेता सुनील यादव मूसेपुर, रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव सहित अग्रवाल वैश्य समाज के लोग सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कर रही हूँ आज, शहर भी कर रही हूँ, और मैं बस ये कहने आई हूँ आज के दिन कि आजकल अखबारों में चर्चाएं बहुत हो रही है कि आरती इलेक्शन कहाँ से लड़ेगी, आरती ये क्या कर रही है, आरती कभी कभी अटेली, कभी नांगल चौधरी, कभी कोसली, कभी नारनौल। अरे रेवाड़ी भूल गए क्या सब? तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आरती का गाँव रेवाड़ी में है, आरती रेवाड़ी से थी, रेवाड़ी से है और हमेशा रेवाड़ी से ही रहेगी। बाकी आप सबसे मिलना चाह रही थी, और अगर आप कह रहे हैं कि जगह छोटी पड़ गई, जी जगह बिल्कुल छोटी नहीं चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए, बस इतनी बात। मेरा ये मानना है कि पिछले चार साल, वैसे ही दो साल तो कोविड के चलते गुजर गए, और पिछले दो साल में अब मैं भी अपना सोच विचार कर रही हूँ कि क्या करना चाहिए, मगर मुझे बस ये मालूम है कि हमारे दक्षिण हरियाणा का जो वर्चस्व है, वो हमेशा कहते हैं ना, सरकार बनाती है दक्षिण हरियाणा के लोग, मगर अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो ये जो थोड़ी इम्पोर्टेंस हमें मिलती है वो भी बिखर जाएगी। तो आने वाला वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए। व्हाई डू आई नीड अ माइक, मेरी आवाज ही काफी है। हमें बहुत जरूरी है एक होके रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में मेरे को ये यकीन है कि हमें जो हमारा हक है वो जरूर जरूर मिलेगा। मगर अगर हम, और दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं शहर ग्रामीण, राव साहब ने क्या किया, लोकसभा का आपने उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, जो सेंटर से करवा सकेंगे वो हमेशा करवाएंगे, और जितना करवा सकेंगे वो जरूर करेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी। एंड में मेरा बस ये मानना है कि कल मैं जहां से भी लड़ूं, मैं जो भी करूं, मैं हमेशा हमेशा रेवाड़ी के साथ खड़ी रहूंगी। पिताजी ने मेरे को, जब मैंने शूटिंग शुरुआत की थी, मेरी शूटिंग करियर की, मैं 18-19 साल की उम्र थी मेरी, तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोली थी कि आरती तू इस परिवार ने सालों नाम बनाने में गुजार, और नाम खराब करने में ना 2 सेकंड नहीं लगते, तो हमेशा ये याद रखियो कि तेरे साथ तेरे परिवार का नाम हमेशा चलता रहेगा, और तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि कभी हमारे ऊपर कोई लालचन ना लगे। तो मेरी पूरी
आप सबसे ये है कि मैं हमेशा कर्म के रास्ते पे चलूंगी और जो सही है वो ही करूंगी। और आप सभी यहाँ आए हैं, आप सभी ने मेरी जो हौसला अफजाई की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।